नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नियोजित शिक्षकों के लेकर के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग ने ये अनुशंसा की है कि 3 बार अब सक्षमता परीक्षा देना होगा। यदि इसमें असफल होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद लगातार नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और 13 फरवरी को पटना के विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। आखिर क्या क्यों सर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह फैसला लिया है कि अब 3 बार सक्षमता परीक्षा में असफल होते हैं तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, कहां तक ये न्याय देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सक्षमता परीक्षा का मैं स्वागत कर रहा हूँ। सक्षमता परीक्षा सरकार अगर लेना चाहती है तो ले, राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षक हैं तो उनकी योग्यता भी होनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत सारे फर्जी लोग नियोजित शिक्षक में बहाली हुई है, 75,000 या 1 लाख का तो फोल्डर नहीं मिल रहा है, तो वो फर्जी ही है, इसलिए फोल्डर नहीं मिल रहा है। पैसा लेके बहाली हुई है तो फोल्डर मिलेगा कहाँ से? तो सक्षमता परीक्षा देना चाहिए नियोजित शिक्षक को भी। लेकिन ये जो ऑनलाइन की बात कही जा रही है, ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन परीक्षा हो। क्योंकि आप देखिए, कोई 10-12 साल से जॉब कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं या शहरी परिवेश से भी हैं, तो वो ऑनलाइन में परीक्षा देने में सक्षम नहीं है, दिक्कत होगी। महिलाएं हैं खासकर ग्रामीण परिवेश, तो उनको दिक्कत होगी। तो आप ऑफलाइन परीक्षा लीजिए ना, यूपीएससी आईएएस परीक्षा होता है, ऑफलाइन होता है, आपको क्या दिक्कत है? ऑफलाइन लीजिए और क्वेश्चन का लेवल वैसा ही रखिए जैसा वो पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उनसे उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन और उसी लेवल का पूछा जाए। ये नहीं कि 6th क्लास का टीचर का हम सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं और उसको पीएचडी का पूछ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज पे ध्यान रखा जाए। और 3 जो मौका कहा गया कि दिया जाएगा, तो ठीक है, 3 मौका आप दीजिए। 3 बार परीक्षा होगी, उसमें से अगर किसी एक में पास हो गए तो वो नियोजित सक्षमता परीक्षा पास कर गए और उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अगर 3 बार में भी वो पास नहीं कर पाए, जो पास नहीं कर पाए 3 बार में, तो उनको आप नौकरी से मत निकालिए, उसको उनको आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। हम तो ये मांग 1-1.5 साल से कर रहे हैं कि आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए, जो पास नहीं कर पाए परीक्षा उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। अगर पास नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब वो पढ़ाने योग्य नहीं है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए, उनकी नौकरी समाप्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इनकी नियुक्ति तो नीतीश कुमार जी ने ही किया है, यही मुख्यमंत्री रहे हैं। 2006 से जो बहाली हुई है नियोजित शिक्षक, 4 लाख है, सब इन्हीं के कार्यकाल में बहाली हुई है। तो यही अगर हटाएंगे तो ये तो गलत बात है ना, या कोई भी सरकार कैसे हटा सकती है? क्योंकि बहाली तो सरकार ने किया है, बिहार सरकार ने, तो आपने गलती किया, उसकी सजा नियोजित शिक्षक को क्यों मिले? अगर कोई जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हुई या पैसा ले दे के बहाली, उन लोगों को हटाइए। लेकिन अगर कोई सक्षमता परीक्षा पास अभी नहीं कर पाते 3 बार में भी, तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं तो 3 बार में पास नहीं कर पाएंगे, मुझे तो लगता है पास कर जाना चाहिए। अगर बात की जाए तो 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं नियोजित शिक्षक, वही के पाठक का एक आदेश आ गया है कि 13 फरवरी को सभी विद्यालयों में विजिट किया जाए और रिपोर्ट मंगवाया जाए और सभी शिक्षकों का उपस्थिति जो है 100% होना चाहिए। तो क्या अपनी हक की मांग के लिए लोग अगर पटना आते हैं विद्यालय से छुट्टी लेकर के, तो इस पे इस प्रकार का आदेश जारी करना, ये तो तानाशाही ही दिखाता है। बिल्कुल, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना अधिकार है, संविधान के भाग 3 में स्पष्ट रूप से वर्णित है, मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप कैसे ये छीन सकते हैं भाई, कहाँ जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए? हाँ, शांतिपूर्वक होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, मैं ये भी कहूंगा। और शिक्षकों को क्या छुट्टी नहीं मिलती है क्या? ऐसा तो नहीं कि शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकते हैं? आप उनको वेतन नहीं दीजिए उस दिन का, आप उस पर कार्रवाई कैसे कीजिएगा भाई? क्या अफसर, बिहार सरकार के अफसर छुट्टी नहीं लेते हैं? लेते हैं छुट्टी, के पाठक जी छुट्टी पे गए थे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाए, शिक्षक संघों से बात करें, उनके नेताओं से बात करें और बीच का रास्ता निकाला जाए, उनको समझाया जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए। और उनकी मांग सही है, आप नौकरी से क्यों बाहर कर रहे हैं? ऑनलाइन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? ऑफलाइन लीजिए। और 3 बार में भी अगर कोई पास नहीं कर पाए तो ये निश्चित है कि वो पढ़ाने लायक नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वैसा ही होना चाहिए जैसा वो पढ़ा रहे हैं। अगर उसके बाद भी वो फेल कर जाते हैं तो इसका मतलब वो पढ़ाने योग्य नहीं है, तो उनको तो पढ़ाने का काम दिया ही नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए बिहार सरकार को भी माफी मांगनी चाहिए कि 15 साल से वो कैसे पढ़ा रहे थे, अगर वो अयोग्य है तो लाखों ये बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। उसके लिए बिहार सरकार को माफी मांगनी चाहिए, जितने शिक्षा मंत्री बने, जो मुख्यमंत्री रहे, उन सबको माफी मांगनी चाहिए और उनको हटाना नहीं चाहिए,
जो पास नहीं कर पाए गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। स्कूल में भी बहुत सारा गैर शैक्षणिक कार्य होता है, मतगणना के समय, चुनाव के समय ड्यूटी लगती है, जनगणना होती है, या और भी बहुत सारा गैर शैक्षणिक कार्य होता है, ड्यूटी लगता है परीक्षा के समय, तो ऐसे कार्यों में लगाया जाए। प्रखंड शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय, उस सब में ड्यूटी में दे दिया जाए। आखिर के पाठक के विरुद्ध जो है कोई भी मंत्री हो या फिर नीतीश कुमार हो, कोई क्यों नहीं बोलते हैं, आखिर क्या वजह लगा? देखिए, के पाठक जी का सीधा कंट्रोल नीतीश कुमार जी से होता है, मतलब वो डायरेक्ट समझिए कि एक होता है ना किसके प्रति जिम्मेदार है, तो नीतीश कुमार जी के प्रति जिम्मेदार है एक तरह से, उनको किसी और से मतलब नहीं है। के पाठक जी नीतीश जी का खास आदमी है, नीतीश जी जैसा कहते हैं वैसा ही वो कर रहे हैं। और तो के पाठक से कोई सीनियर भी अधिकारी आ जाए तो उनकी नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री की नहीं चली। अरे चंद्रशेखर सिंह को हटना पड़ गया भाई, शिक्षा मंत्री को, जब से शिक्षक बहाली निकली के पाठक जी आए तो शिक्षा मंत्री का तो कहीं कोई रोल ही नहीं रहा उसमें, क्योंकि पाठक जी ही लग रहे हैं शिक्षा मंत्री है। और बाद में शिक्षा मंत्री को भी हटा दिया गया, बेइज्जत किया गया एक तरह से, दो दिन तीन दिन के लिए था भाई, गठबंधन ही बदल गया, दो तीन दिन और रह जाते उनको हटा दिया गया, नए लोग आलोक मेहता जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, पता चला तीन चार दिन बाद फिर सरकारें बदल गई, गठबंधन बदल गया। तो ये तो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, गलत ना हो, उन पे किसी तरह का बिना मतलब का कार्रवाई ना हो। शिक्षकों से आप प्यार से काम लीजिए, आप उनको डरा के नहीं काम लीजिए। आप डरा के कहिएगा कि शिक्षक जो है सो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए, संभव नहीं होगा। आप उनसे प्यार से नियम कानून को रखते हुए सही से कीजिए, करेंगे शिक्षक, पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, उनकी भी जिम्मेदारी। हाँ, उसमें कुछ अगर कोई गलत करे तो कानूनी कार्रवाई कीजिए उन पे, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए तीन बार जो सक्षमता परीक्षा है वो लिए जाने चाहिए, लेकिन उनके लेवल का ही सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए। यदि असफल होते हैं तो उन्हें फिर गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी नौकरी जो है वो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो यही वो सरकार थी, यही वो मुख्यमंत्री थे जो इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे, तो फिर आखिर किस आधार पे अब उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं यदि असफल होते हैं तो उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।